हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे और एक फ्रेश एंड जबरदस्त वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मालवेरी। फ्रेंड्स, हम दिखाएंगे कि मालवेरी काटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है, किस तरह से उसका काटिंग लगाने का बारी है, कौन सा टाइम होता है काटिंग लगाने का, किस तरह से उसको काटिंग से रूट्स आते हैं, कितने दिन में आते हैं, किस तरह से उसको अगले पोली बैग में शिफ्ट किया जाता है, किस तरह से वो ग्रो होता है, किस तरह से उसका काटिंग जब लगाते हैं तो उसका सॉयल किस तरह से होना चाहिए, कौन सा कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप उसको घर में भी ट्राई करके बहुत सारे पौधा बना सकते हैं और काफ़ी सारा फ्रूट्स ले सकते हैं। देख सकते हैं जो हमने कटिंग लगाया था उसके ऊपर भी फ्रूट्स आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्या और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमारा कटिंग जिसके ऊपर काफ़ी सारा फ्रूट्स लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सब के अंदर फ्रूट्स लगा हुआ है जो हमने कटिंग लगाया हुआ था। तो फ्रेंड्स, देखिए कटिंग को किस तरह से मिट्टी से तुला जाता है। अगर आप पॉट के अंदर करते हैं तो पॉट को उल्टा करके पूरा मिट्टी बाहर कर लीजिए। अगर आप ज़मीन पर लगा रहे, देख सकते मैं ज़मीन पर लगाया हूँ और जो है बालू और मिट्टी का मिश्रण है, उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र कोई भी कुछ नहीं है। अगर आप पॉट में कर रहे हैं तो पॉट का दूसरा सिस्टम होगा, वो मैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर दिखा दूँगा। देख सकते हैं सब के अंदर नया ब्रांच है, फ्रूट्स है, देख सकते हैं काफ़ी फ्रूट्स है। छोटे से पौधे को जो लगाया हुआ है मैंने, करीब करीब एक महीना हुआ है, उसके अंदर रूट्स आ चुका है प्रॉपरली और उसमें फ्रूट्स भी खिल रहे हैं। अभी देखिए हमको किस तरह से उसको पोलीबैग के अंदर शिफ्ट करते हैं। एक करीब 5 इंच का पोलीबैग है जिसके अंदर हम लगाएंगे, थोड़ा सा मिट्टी आप उसके अंदर डाल ले, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा साइड में रखिए, उसके बाद आप साइड से मिट्टी देते जाइए। उसको ऐसा मत करिए कि पूरा मिट्टी भर ले उसके बाद पौधे को प्रेस करके वहाँ पे लगा दे, ऐसा मत करना, रूट्स टूट जाएगा और आपका काफ़ी सारा पौधा जो रूट्स आ चुके वो मरने भी वाला है। आप इस तरह से उसको ख्याल रख के उसके बाद आप उसको लगाइए। आप बार बार उसको देखिए, मैं 3-4 बार दिखा दूंगा किस तरह का लगाने का प्रोसेस है। देख सकते हैं आप उसको बार बार फोकस कीजिए किस तरह से लगाना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको सॉइल के बाद बता देता हूँ। जो होता है फ्रेंड्स, उसके लिए बालू का कंटेंट ज़्यादा होता है, सिलिका जो होता है उसका कंटेंट हमको ज़्यादा देना पड़ता है। जब हम उसको पोलीबैग में, ब्लैक कलर पोलीबैग में या व्हाइट कलर कोई भी पोलीबैग हो आपके पास, तो उसके जब लगाते हैं फ्रेंड्स, उसमें बालू का कंटेंट तब भी ज़्यादा होता है। उसके बाद उसको हमने थोड़ा सा बोन मील दिया है, नीम खोल थोड़ा सा दिया है। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मतलब सोच सकते हैं आप, 5% हमने उसके अंदर डाला है। उसके बाद हमने भार्मी कंपोस्ट या काउडंग जो होते हैं, हमने काउडंग डाला हुआ है उसके अंदर, उसका 20% हम काउडंग दिए हैं और आप भी दे सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी हम उसको पूरा मिट्टी तोड़ के उसको पोलीबैग में शिफ्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो उसको खाना फूड चाहिए होगा उसको सर्वाइव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने उसके अंदर 20% काउडंग डाला है। आप उससे ज़्यादा मत डालिए क्योंकि बारिश के टाइम अगर आप उससे ज़्यादा काउडंग या बार्मी कंपोस्ट देंगे तो गलने का चांसेस रहता है, वो मरने का चांसेस रहता है, तो इसलिए उससे ज़्यादा मत दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हम उसके अंदर 30% जो होते हैं हमने उसके अंदर बालू का यूज़ कंटेंट किया है। और फ्रेंड्स, हमने 20% तक मिट्टी हमने उसके अंदर यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आप उसी हिसाब से उसको यूज़ करिए, उसके बाद आप उसको लगाइए। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमारा लगाने का प्रोसेस, आप और भी देख सकते हैं सब के अंदर रूट्स आ चुका है और काटिंग का साइज़ भी आप देख सकते हैं 6 इंच से 8 इंच तक ही होना चाहिए और सब के अंदर नया ब्रांच है। आप देख सकते हैं हमने करीब करीब 1 महीने पहले लगाया हुआ था। फ्रेंड्स, आगे आने वाले वीडियो के अंदर सब कुछ दिखा दूंगा। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने काफ़ी सारा पौधा लगा चुके हैं और भी लगाने का बाकी है। करीब करीब 1000 के आसपास मेरा नया पौधा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए विदा लेते हैं। बाय फ्रेंड्स, कोई भी कह रहे तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना।